हेलो गाइस, बेस्ट होम डिज़ाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए घर का डिज़ाइन जो कि 4 BHK है। यह घर हमने 45 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट डायमेंशन में डिज़ाइन किया है और इस घर का कंस्ट्रक्शन ईस्ट फेसिंग प्लॉट में किया जा रहा है। इस घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 35 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में आएगी और इस घर का कंस्ट्रक्शन राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो ये थी हमारे घर की कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे घर के चारों तरफ का व्यू। तो यह जाता है हमारे घर का साउथ फेसिंग व्यू, जिसमें हमने 6 फीट का सेटबैक प्रोवाइड किया है। यह आ जाता है हमारा वेस्ट फेसिंग व्यू, जो कि हमारा रियर व्यू कहलाएगा, और इसमें हमने 3 फीट वाइड सेटबैक प्रोवाइड किया है। और यह आ जाता है हमारे घर का नॉर्थ फेसिंग व्यू, जो कि किसी और का प्लॉट आ जाता है। तो यह था हमारे घर का एक्सटीरियर व्यू। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे घर का इंटीरियर व्यू। तो यह आ जाता है हमारे घर का पेडेस्ट्रियन गेट और यह आ जाता है हमारे घर का मेन एंट्री गेट, जो कि पार्किंग गेट रहेगा या फिर वाइकुलर गेट रहेगा। और यहाँ से घर का व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया, जिसका साइज हमने दिया है 16 फीट बाई 17 फीट का। और यहीं राइट तरफ हमने दिया है एक गार्डन एरिया जो कि 10 फीट वाइड रहेगा। यहीं पार्किंग एरिया से होते हुए हमने एक टॉयलेट का प्रोविज़न दिया है, जिसका साइज आ जाता है 4 फीट बाई 6 फीट 3 इंच का, जो कि एक्सटीरियर यूज के लिए रहेगा। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारे लिविंग एरिया का गेट और यह आ जाता है हमारे घर का लिविंग एरिया, जिसका साइज हमने दिया है 11 फीट 10.5 इंच बाई 16 फीट 3 इंच का। अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया और यहीं पे हमने एक स्टेयरकेस भी प्रोवाइड की है, जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए जाती है और ऊपर रूफ टॉप के लिए जाती है। और हमने इसका साइज दिया है 13 फीट बाई 19 फीट 7.5 इंच का। यही डाइनिंग एरिया से होते हुए हमने जो पेडेस्ट्रियन गेट था उसको हमने एक्सेस प्रोवाइड किया है। वापस आते हैं डाइनिंग एरिया में और यहीं डाइनिंग एरिया से होते हुए हमने यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया है, जिसका साइज हमने दिया है 11 फीट 10.5 इंच बाई 10 फीट 3 इंच का। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारे बेडरूम 1 का व्यू, जिसका साइज हमने दिया है 11 फीट 10.5 इंच बाई 12 फीट 3 इंच का। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारे बेडरूम 2 का व्यू, जिसका साइज हमने दिया है 11 फीट 10.5 इंच बाई 12 फीट 3 इंच का। हमने इस बेडरूम में अटैच ड्रेसिंग एरिया और टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसमें ड्रेसिंग एरिया का साइज आ जाता है 7 फीट 10 इंच बाई 4 फीट का और जो हमने टॉयलेट प्रोवाइड किया उसका साइज आ जाता है 7 फीट 10 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का। आगे बढ़ते तो हमने इस बेडरूम में एक रियर गेट प्रोवाइड किया, जो कि पीछे सेटबैक के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है। और यहीं सेटबैक से होते हुए हमने यहाँ पे राइट साइड में एक वॉशिंग एरिया का प्रोविजन दिया है, जो कि 6 फीट वाइड सेटबैक में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारे घर का कॉमन टॉयलेट, जिसका साइज हमने दिया है 7 फीट 10 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का। यह आ जाता है हमारे बेडरूम 3 का व्यू, जिसका साइज हमने दिया है 11 फीट 10.5 इंच बाई 12 फीट 3 इंच का।
हमने इस बेडरूम में भी एक गेट प्रोवाइड किया जो कि रियर साइड के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर का वॉक थ्रू। तो फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले ऊपर आते ही आ जाता है हमारे ये डाइनिंग एरिया, जिसका साइज सेम ग्राउंड फ्लोर के डाइनिंग एरिया जैसा रहेगा। यह आ जाता है हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर का किचन। हमने फर्स्ट फ्लोर में 1 BHK का प्रोविजन दिया है और ग्राउंड फ्लोर में 3 BHK का प्रोविजन दिया है, जो कि टोटल में आ जाता है 4 BHK। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने एक गली प्रोवाइड की है जो कि टेरेस से एक्सेस प्रोवाइड करती है। वापस चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये आ जाता है हमारे डाइनिंग एरिया से कनेक्ट होते बेडरूम 4 का व्यू, जो कि फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम 1 कहलाएगा और जिसका साइज हमने दिया है 11 फीट 10.5 इंच बाई 12 फीट 3 इंच का। यही डाइनिंग एरिया से वापस आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारा फैमिली एरिया, जिसका साइज आ जाता है लिविंग एरिया के एग्जैक्ट सेम, जिसका साइज है 11 फीट 10.5 इंच बाई 16 फीट 3 इंच का। यही फैमिली एरिया से होते हुए हमने टेरेस एरिया को भी एक्सेस प्रोवाइड किया है, जो कि आउटडोर सिटिंग के लिए परफेक्ट रहेगा और ये कवर्ड टेरेस रहेगा। हमने फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ 1 BHK का प्रोविजन दिया है, तो हमने फर्स्ट फ्लोर में जो पीछे की स्पेस थी उसको आउटडोर सिटिंग के लिए प्रोवाइड किया है, जिसका साइज आ जाता है हमारा 39 फीट बाई 13 फीट का, जो कि आउटडोर सिटिंग के लिए बहुत खाली स्पेसेस रहेंगी और ये आउटडोर एक्टिविटीज के लिए यूज होगा। तो ये था हमारे फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको हमारे रूफटॉप का व्यू दिखा देता हूँ, जो कि कॉमन सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई और सोलर वाटर हीटर के लिए यूज होगा। तो ये आ जाता है हमारे घर का रूफटॉप का व्यू। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं पूरे घर का डिजाइन। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे घर का 2D प्लान, जिसमें आपको पूरे मैप का आइडिया आ जाएगा कि कैसे घर का मैप बनाया गया है। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू और एक्सटीरियर का वीडियो। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का 2D प्लान। तो यह जाता है हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान। यह जाते हैं हमारे ईस्ट फेसिंग रोड, और यहीं ईस्ट फेसिंग रोड से होते हुए हमने 2 एंट्रेंस प्रोवाइड किए हैं। पहला एंट्रेंस आ जाता है हमारा पेडेस्ट्रियन एंट्रेंस और यह आ जाता है हमारा व्हीकुलर एंट्रेंस, जो कि 2 कार पार्किंग के लिए रहेगा। यहाँ पे हमने 2 एंट्रेंस प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ पे एक एंट्रेंस आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया के लिए एंट्री के लिए डायरेक्ट, जो कि किचन और डाइनिंग एरिया से एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। और ये जो व्हीकुलर एंट्रेंस से एक एंट्री प्रोवाइड किए जो हमने, वो आ जाती है हमारे लिविंग एरिया के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहीं डाइनिंग एरिया हमारा बफर जोन कहला जाएगा, जहाँ से हमने स्टेयरकेस और हर जगह के लिए एक्सेस प्रोवाइड किया है। तो यहीं डाइनिंग एरिया से होते हुए हमारा किचन के लिए एक्सेस आ जाता है। ये आ जाता है हमारे बेडरूम 1 के लिए, यह आ जाता है हमारा बेडरूम 2 और ये आ जाता है बेडरूम 3। यहाँ पे हमने एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया है, जो कि अंदर के लिए यूज रहेगा, और बाहर आउटसाइडर्स के लिए यहाँ पे हमने एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया, जो कि बाहर पार्किंग एरिया से एक्सेसिबल रहेगा। यहाँ पे हमने 2 सेटबैक प्रोवाइड किए हैं, जो कि वेस्ट फेसिंग में रहेगा एक सेटबैक, जो कि 3 फीट का रहेगा, और एक सेटबैक हमने साउथ फेसिंग में प्रोवाइड किया है, जो कि 6 फीट का रहेगा और ये वॉशिंग एरिया और वॉशिंग मशीन के लिए यूज हो जाएगा। यहाँ पे ये इतनी स्पेस काफ़ी रहेगी। तो ये था हमारे ग्राउंड फ्लोर का प्लान। आगे बढ़ते तो यह जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर में हमने 1 BHK का प्रोविजन दिया है और ग्राउंड फ्लोर में हमने 3 BHK का प्रोविजन दिया है। तो फर्स्ट फ्लोर में हमने प्लान को कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बस जो पीछे 2 बेडरूम्स थे और उनके जो अटैच टॉयलेट्स थे उनको हटा दिया है, और फर्स्ट फ्लोर में हमने 1 BHK का प्रोविजन दे दिया है, जो कि सेम साइजेस में रहेंगे जितना कि ग्राउंड फ्लोर की साइजेस में था। अगर आपको साइजेस का पता करना है तो हमने वीडियो में पूरा बताया है साइजेस कितनी कितनी की रहेगी हर रूम की। यहाँ पर जो पीछे स्पेस बची थी उसको हमने रूफ गार्डन में प्रोवाइड कर दिया, या फिर टेरेस गार्डन बोल सकते हैं, जो कि आउटडोर सिटिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पर कवर्ड टेरेस भी प्रोवाइड किया हमने फ्रंट फेसिंग में, जो कि ईस्ट फेसिंग में रहेगा, तो वो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर सिटिंग के लिए आ जाएगा। तो ये था हमारे घर का प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू या फिर 2D प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। और अगर आपको भी जानना है कि हम ये वीडियोज़ किस तरह से बनाते हैं या फिर कौन से गैजेट का यूज़ करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, आप उन्हें जाकर एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक द वीडियो,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक द वीडियो।